वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रशासन की ओर से वाहनों की स्पीड लिमिट कम की गई। अब हल्के वाहन 100 की जगह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे, जबकि भारी वाहनों की स्पीड 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। ये फैसला एक्सप्रेसवे पर बढ़ते हादसे को देखते हुए लिया गया है। मैं मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर, जहां पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व जेपी की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है। उस आदेश में कहा गया है कि जो बाहरी वाहन हैं और हल्के वाहन हैं उनकी गतियों को कम कर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से इस फैसले पर काफ़ी लोग संतुष्टि जता रहे हैं कि जिस तरीके से जो बाहरी वाहन हैं उनकी जो गति है उसको कम कर दिया जाएगा। बाहरी वाहनों की अगर हम बात करें, पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, वो अब जो है घटाकर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रख दी गई है। ऐसे में अगर हम बात करें जो हल्के वाहन हैं, हल्के वाहनों की स्पीड को भी कम कर दिया गया है। पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, उसको घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रख दी गई है। ऐसे में ये जो निर्णय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जेपी की तरफ से लिया गया है, वो आदेश जो है 15 दिसंबर 2021 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक यह नियम लागू रहेगा। ग्रेटर नोएडा से वसीम सैफी, नेटवर्क 10।